जीवन में अगर प्रसन्न और सुखी रहना है तो ऐसे तीन लोगों की सहायता नहीं करना चाहिए एवं इनसे सदैव दूरी बनाकर रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि ऐसे वह कौन है जिनकी मदद नहीं करनी चाहिए एवं उनसे सदैव दूरी बनाकर रखना चाहिए, तभी आप जीवन में प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। मित्रों, एक गांव में एक महाज्ञानी साधु पधारे। उनके सत्संग के लिए गांव के सभी ग्रामवासी साधु महाराज के पास पहुंच गए। जो साधु महाराज थे वह बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रवचन देते थे। उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा कि मनुष्य को अगर जीवन में प्रसन्न रहना है एवं सुखी रहना है तो मूर्ख व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। आप अगर मूर्ख व्यक्ति को उसके हित के लिए उसे ज्ञान देते हैं एवं उसके भलाई के लिए आप सोचते हैं, परंतु मूर्ख व्यक्ति आपके ज्ञानवर्धक बातों को नहीं समझ सकता। मूर्ख व्यक्ति फिजूल में ही तर्क वितर्क करता है। आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को ना समझकर उसमें सदैव कमियां ही निकालता है, जिससे आपका समय नष्ट होता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके तर्क वितर्क से आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। दूसरा है बुरे चरित्र वाला मनुष्य। बुरे चरित्र वाले व्यक्ति की अगर आप सहायता करते हैं या फिर उसके भलाई के बारे में सोचते हैं तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि बुरे चरित्र वाला व्यक्ति स्वयं तो पाप करता ही है और दूसरे को भी पाप के रास्ते में ले जाता है। ऐसे लोगों की संगत में रहने वाले लोग जो भले ही श्रेष्ठ हैं, उन्हें भी समाज और घर परिवार में अपमानित होना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों की सहायता नहीं करना चाहिए एवं इनसे दूर रहना चाहिए। तीसरे वह हैं जो बिना वजह के हमेशा ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोग जो जीवन में संतुष्ट नहीं है और वह लोग हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों की अगर आप भलाई करते हैं तो उनसे आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि वह अपने जीवन में हमेशा ही असंतुष्ट हैं। आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर दो वो आपका एहसान कभी नहीं मानेंगे, उल्टा आपको ही अपने दुखों का कारण मानेंगे। ऐसे लोग दूसरों के सुखों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा उन्हें कोसते रहते हैं। इस प्रकार के ईर्ष्या भाव रखने वाले और बिना वजह के सदैव दुखी रहने वाले लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप पीटियों का सार समझ गए होंगे, जो जीवन की सच्चाई है। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर सेट कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।